हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन कैसे बनाए थे आज की वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके ताकि आप वीडियो को पहले देख सकें सबसे। और साथ में आप लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। आप वीडियो पर लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। तो इस डिज़ाइन ये जेंट्स स्वेटर की कोटी पे किसी बना सकते हैं डिज़ाइन। अगर आप चाहें तो कैप पे भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो पहला फंदा हमारा एस्टिच का होगा, दो फंदे हमारे एस्टिच के और छह के मल्टी में हमने फंदे लिए हैं। तो ये मैंने 24 फंदे लिए हैं और दो फंदे मैंने एस्टिच के। पहला फंदा एस्टिच का, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, दो तीन, धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे, दो और तीन, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे। ये पूरी रो हमारी ऐसे ही बनेगी, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ करते हुए तीन फंदे सीधे बना लेंगे, दो तीन, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे हमारे सीधे, एक दो और ये तीन, लास्ट का एस्टिच का सीधा बनाएंगे। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनेगी, इसमें जितनी सिलाई होंगी सारी हमारी उल्टी ही बनेंगी। तो एक बार मैं आपको ये दूसरी सिलाई बता देती हूँ। दूसरी सिलाई पूरी उल्टी हमारी बन गई है। अब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे। तो तीसरी सिलाई कैसे बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा हमारा एस्टिच का, धागा अपनी तरफ, शुरू में हमने तीन फंदे उल्टे बनाए थे, अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। आप हमारी तीसरी सिलाई है, शुरू में पहली सिलाई में हमने तीन फंदे उल्टे बनाए थे, अब जो तीसरी सिलाई है हमारी तीसरी सिलाई पहला फंदा हम सीधा बना लेंगे। पहला फंदा एस्टिच का और दूसरा फंदा जो हम बना रहे हैं ये हमारा सीधा बनेगा। उसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तो एक दो, तो तीन फंदे हमारे उल्टे थे, एक फंदे, तीन फंदों के एक फंदे पे हमने सीधा फंदा बना लिया और दूसरा और तीसरे फंदे पे हमने दो फंदे उल्टे बना लिए। अब हमारे पास यहाँ पे तीन फंदे सीधे हैं, तो जो पहला फंदा सीधा है इसके ऊपर हम उल्टा बनाएंगे। तो वापस से वैसे ही हमारे तीन फंदे उल्टे, तीन सीधे, तीन फंदे उल्टे, ऐसे ही बनेगा। अब दो फंदे हमारे सीधे हैं, इसके ऊपर दो सीधे बनाते हुए और एक फंदा हम यहाँ से उल्टे के लेके तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, तो हमारे तीन फंदे सीधे हो जाएंगे। तीन फंदे सीधे बना लिए, अब तीन फंदे उल्टे, एक दो फंदे उल्टे इसके ऊपर बनाए, एक फंदा सीधा से ले लेंगे, तो ये तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए। फिर धागा दूसरा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, दो तीन, तीन फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ। अब एक फंदा हमारा सीधा इस साइड में हो गया, अब दो फंदे हमारे पास सीधे रह गए, दो फंदे हम सीधे बना लेंगे और लास्ट का एस्टिच का सीधा बना लेंगे। चौथी सिलाई उल्टी पूरी बनेगी, तो चौथी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको पांचवी सिलाई बताती हूँ। तो हमारी चौथी सिलाई पूरी उल्टी बन गई, अब हम पांचवी सिलाई पे आ गए हैं। पांचवी सिलाई हम बनाएंगे, पहला फंदा हमारा एस्टिच का, उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब एक फंदा, तीन फंदे उल्टे हमने इसके, पहला फंदा उल्टा बना इसके ऊपर सीधा फंदा बनाएंगे, दो फंदे हमारे अब यहाँ पे सीधे हो जाएंगे। उसके बाद दो फंदे उल्टे और एक फंदे सीधे के ऊपर से उल्टा बना देंगे, फिर दोबारा से हमारे तीन फंदे
उल्टे फिर तीन सीधे का हम बन जाएगा। पहले दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, एक और ये दो, दो फंदे हम सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बना के, दो फंदे उल्टे बन के एक फंदा सीधे के ऊपर बना लेंगे उल्टा, तो तीन फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब वैसे रिपीट करते जाएंगे, तीन फंदे उल्टे, तीन सीधे, तीन उल्टे, तो पूरी रो हमारी ऐसे ही बनेगी, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर तीन फंदे उल्टे और सीधे, सॉरी दो और तीन, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, दो तीन, धागा अपनी तरफ, एक दो तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, फिर एक फंदा हमारे पास यहाँ पे सीधा रह गया, सीधा बोले लास्ट का एस स्टिच का। तो हमारी पांच लाइन पे हमारा डिजाइन ऐसे बना है, पांच लाइन पे ये डिजाइन हमारा ऐसे बना है। तो छठी तो हमारी ये छह सिलाई ऐसे बनी है। अब हम सातवीं सिलाई पे आ गए, सातवीं सिलाई कैसे बनानी है बता देती हूँ। पहला फंदा ए स्टिच का, अब हमारे पास पहले एक फंदा सीधा था, फिर दो फंदे सीधे हो गए, अब तीन फंदे सीधे होंगे, एक दो सीधे फंदे हैं और एक फंदा हम उल्टे के ऊपर बना लेंगे, तो तीन फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। पहला फंदा ए स्टिच का, तो तीन फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, तीन, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, दो तीन, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बन गए। लास्ट का एस स्टिच का सीधा। फिर उल्टी सिलाई में आठवीं मिलाकर फिर नौवीं सिलाई बताती हूँ।